हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि एक टपल में स्टोर है, जैसे मान लीजिए नम इज इक्वल टू और ये बना लिया हमने टपल, और इसमें बहुत सारे नंबर्स को स्टोर कराने वाले, जैसे 2 कर दिया, 12 कर दिया, 1 कर दिया, 55 कर दिया, 33 कर दिया, 22 कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ 13 कर दिया, इसी तरीके से और भी नंबर इसमें स्टोर है, देख सकते हैं ये। अब हमको ये पता करना है कि इसमें मिनिमम नंबर कौन है। तो भाई देखने से तो पता लग जाएगा, लेकिन क्या कोई फंक्शन ऐसा है जो इस तरीके से परफॉर्म करे टास्क कि हमें ये सिर्फ मिनिमम नंबर ही निकाल के दे? तो जी हाँ, बिल्कुल एक फंक्शन है और उस फंक्शन का नाम है मिन। ठीक है, तो मिनिमम नंबर या मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए मिन या मैक्स फंक्शन का यूज किया जाता है। ये प्री डिफाइंड होता है, कैसे यूज करना है आइए देखते हैं। नीचे आना है और यहाँ लिखिएगा प्रिंट इस तरीके से, और यहाँ पर लिख दीजिएगा मिन। ठीक है, और यहाँ के को प्रिंट करेंगे तो यहाँ नम लिखा और F5 करते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम नंबर इसमें 1 है। लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, मैक्स लगा देंगे, MAX। ठीक है, तो यहाँ पर एक फंक्शन है मैक्स, और यहाँ पर एंटर करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर फाउंड हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें मैक्सिमम नंबर कौन है, 55 ही तो है, तो ये मैक्सिमम नंबर हमें निकाल के दे रहा है।